उसके बाद नंबर थ्री पे है मैनिंग वाज डाइड इन इसकी डेथ कब हुई थी फोर्टीन जनवरी एटीन नाइन्टी टू में नंबर uh, फोर है मैनिंग वाज एन इंग्लिश कार्डिनल ऑफ किसका कार्डिनल था रोमन कैथोलिक चर्च का नंबर फाइव है मैनिंग वाज द सेकेंड आर सी बी शॉप ऑफ वेस्ट मिनिस्टर नंबर सिक्स है व्हेन डेड कार्डिनल मैनिंग बिकम द सेकेंड आर सी बी शॉप Uh, वो का बना था सेकेंड आर सी बिशप फ्रॉम एटीन सिक्सटी फाइव हिज डेथ इन एटीन नाइन्टी टू मतलब एटीन सिक्सटी फाइव में वो सेकेंड आर सी बिशप बना था और uh, अपनी डेथ तक उसके पास ये अहदा रहा नंबर सेवन एट होम होम ही वॉज़ बोर्न किसके घर पर उसकी पैदाइश हुई थी एट हिज ग्रैंड फादर्स होम जो कि कोप्ड हाल टॉटरिज हर्ट फोर शायर में था नंबर एट है मैनिंग वॉज थर्ड सन ऑफ मैनिंग के फादर का नाम क्या था विलियम मैनिंग नंबर नाइन है वट वॉज़ द प्रोफेशन ऑफ इस फादर इसके फ़ादर का प्रोफेशन क्या था वेस्ट इंडियन मर्चेंट था इसका फ़ादर नंबर सेवन है इस फादर सर्वड एज डायरेक्टर एंड गवर्नर एट विच प्लेस कौन सी जगह पर उसने डायरेक्टर और गवर्नर के अहोदे के तौर पर भी सर्व किया था इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड नंबर इलेवन है मैनिंग्स फादर सेट इन पार्लियामेंट फॉर हाउ मेनी इयर्स पार्लियामेंट में वो कितने अरसे तक रहा था थर्टी ईयर्स तक नंबर ट्वेल्व है मैनिंग्स फ़ादर रिप्रजेंटिंग इन दैट रॉय इंटरेस्ट ऑफ पोलिम्पटन लिमिंगटन नंबर थ्री है ईवशम एंड पेनरम कंजिक्यूटिवली नंबर थर्टीन है मैनिंग्स मदर वॉज मैनिंग की मदर का नाम था मैरी जिसकी डेथ हुई थी एटीन फोटी सेवन में नंबर फोर्टीन है शी वॉज द डाटर ऑफ इसके फादर का नाम क्या था मैरी के हेनरी ली रे हंटर ऑफ बीच हिल नंबर फिफ्टीन है शी वॉज सिस्टर ऑफ सर कार्ल स्टीफन हंटर फर्स्ट बैरोनिट नंबर सिक्सटीन है शी केम ऑफ अ फैमिली सेट टू बी ऑफ Uh, जिसे फ्रेंच एक्सट्रैक्शन कहा जाता था उस फैमिली से वो बिलोंग करती थी नंबर सेवेंटीन है मैनिंग स्पेंड हिज बॉयहुड मेनली एट कौन कौन सी जगहों पर उसने अपना बॉयहुड हुड गुजारा था uh, कॉम्बे बैंक में सनरिज uh, में और उसके बाद कैंप्ट में एटीन है एट दीज प्लेस ही हैड कंपेनियंस और इन जगहों पर उनके कौन कौन से दोस्त थे चार्ल्स वर्ड्स वर्थ एंड क्रिस्टोफर वर्ड्स वर्थ नंबर नाइनटीन है वे स्कूल ही अटेंडेड ड्यूरिंग द हेड मास्टरशिप ऑफ डैश हैरो uh, स्कूल और हेड मास्टरशिप जो थी वो जॉर्ज बटलर की थी जॉर्ज बटलर की हेड मास्टरशिप में उसने हैरो स्कूल को अटेंड किया था नंबर ट्वेंटी है मैनिंग्स अटेंडेड हैरो स्कूल इन स्कूल कब उसने अटेंड किया था एटीन ट्वेंटी टू में और एटीन ट्वेंटी सेवन में उसने वो स्कूल छोड़ा था ट्वेंटी वन है फॉर टू ईयर्स मैनिंग प्लेड और दो सालों के लिए उसने स्कूल में क्रिकेट uh, एलेवन में गुजारे थे उसने ट्वेंटी टू है मैनिंग्स मेट्रिकुलेटेड एट कौन सी जगह से इसने मैट्रिक किया था बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ट्वेंटी थ्री है ही मेट्रिकुलेटेड इन और मेट्रिकुलेटेड कब किया था एटीन ट्वेंटी सेवन में ट्वेंटी फोर है मैनंग मेड मार्क एज आ डिबेटर एट और ऑक्सफोर्ड यूनियन में उसने डिबेटर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था ट्वेंटी फाइव है प्रेजिडेंट इन एटीन थर्टी और उसके बाद उस यूनियन के प्रेसिडेंट के तौर पर किसने उसे किया था विलियम एवर्ट ग्लैडसन ने नंबर ट्वेंटी सिक्स है ही ग्रेजुएटेड इन उसने कब ग्रेजुएट किया था एटीन थर्टी में नंबर ट्वेंटी सेवन है ही अपटेन द दे पोजीशन ऑफ डैश थ्रू फ्रेडरिक जॉन रोबिनसन के थ्रू उसने कौन सी पोजीशन गेन की थी फर्स्ट विस्काउंट गॉडरिच की नंबर ट्वेंटी नाइन है मैनिंग रिजाइन फ्राम दिस पोजिशन इन मतलब फर्स्ट विस्कान कोडरिज की पोजिशन से उसने कब रिज़ाइन किया था एटीन थर्टी टू में नंबर थर्टी है अंडर एवंजलिकल इन्फ्लुएंसेस हिज थाट्स टर्न टूवर्ड्स एवंजलिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से उसकी थाट्स किसकी तरफ चली गई क्लैरिकल कैरियर की तरफ नंबर थर्टी वन है हुज़ फ्रेंडशिप अफेक्टेड हिम थ्रू आउट हिज लाइफ इसकी पूरी जिंदगी के दौरान किसकी फ्रेंडशिप ने उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था फ्रेंडशिप विद फीवल ली मॉल टीमर नंबर थर्टी टू है मैनिंग्स रिटर्न टू ऑक्सफोर्ड इन ऑक्सफोर्ड में वो कब वापस आया था एटीन थर्टी टू में थर्टी थ्री है मैनंगस इलेक्शन एज अ फेलो ऑफ मर्टिन कॉलेज के फेलो के तौर पर उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया था थर्टी फोर है मैनिंग्स रिसीव्स ऑर्डिनेशन एज अ डैश इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड एज डी कॉन ऑफ चर्च इन इंग्लैंड में उसने ऑर्डिनेशन रिसीव किया थर्टी फाइव है वन डिड ही बिकेम द क्यूरेट टू जॉन सर्जन जॉन सर्जन का क्यूरेट वो कब बना था एटीन थर्टी थ्री में थर्टी सिक्स है इन जनवरी एटीन थर्टी थ्री ही बिकेम क्यूरेट टू कौन कौन से लोगों का क्यूरेट बना था जॉन सर्जेंट का रेक्टर ऑफ लेवेंट्री विद ग्रैफम एंड वेस्ट सुजिक्स नंबर थर्टी सिक्स है इन जनवरी एटीन थर्टी थ्री ही बिकेम क्यूरेट टू जॉन सर्ज सर्जेंट रैक्टर ऑफ ल्री विद ग्रैफम एंड वेस्ट सुजिक्स नंबर थर्टी सेवन है इन मई एटीन थर्टी थ्री द फॉलिंग सर्जेंट्स डेथ ही सक्सीडिड हिम एज डैश ड्यू टू पेटोनेज ऑफ उन इस सर्जेंट की डेथ की वजह से वो सक्सीड हुआ किसकी पेटर्नेज की, की वजह से रैक्टर सर्जेंट्स मदर नंबर थर्टी एट है मैनिंग्स मैरिड विथ मैरिन ने किसके साथ शादी की थी कैरोलिन के साथ कैरोलिन वॉज द डाटर ऑफ जॉन सर्जेंट की बेटी थी नंबर फोर्टी है मैनिंग्स मैरिज सेरेमनी वॉज़ परफॉर्म बाई ब्राइड्स ब्रदर इन ला इन मतलब मैन की जो मैरिज सेरेमनी थी वो मैनंग के ब्रदर ने अरेंज की थी और वो परफॉर्म हुई थी सेवन नवंबर एटीन थर्टी थ्री में उसके बाद नंबर फोर्टी वन है वट वाज द नेम ऑफ मैनिंग्स ब्रदर हु परफॉर्म देयर मैरिज सेरेमनी इसका नाम था रिवर्ड सैम्यूल फोर्स नंबर फोर्टी टू है मैनिंग्स ब्रदर वाज़ द लेटर बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड वेंचेस्टर का लेटर बिशप बना था उसके बाद फोर्टी थ्री है मैनिंग्स वाइफ वाज डाइड चाइल्डलेस ऑन मतलब मैर मैनिंग के कोई भी दसे नहीं थे चिल्ड्रन नहीं थे उसके और उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी ट्वेंटी फोर्थ जुलाई एटीन थर्टी सेवन में इसके बाद नंबर फोर्टी फोर है व्हेन ही डाइड अ लॉकेट वाज फाउंड कंटेनिंग हिज वाइफ्स पिक्चर नंबर फोर्टी फाइव है मैनिंग्स नेवर बिकेम एन एक्नोलिज डिसिप्लिन ऑफ जॉन हैनरी न्यू नंबर नंबर फोर्टी सिक्स है मैनिंग्स थियोलॉजी एज्यूम्ड एंड इंक्रीजिंगली uh, डैश उसकी जो थोलॉजी थी वो हाई चर्च करेक्टर के बारे में थी और फोर्टी सेवन एट विच टॉपिक हि सरमन वाज प्रिंटेड उसके सरमन जो थे वो किस टॉपिक पर लिखे गए थे द रूल ऑफ़ फेथ नंबर फोर्टी एट है मैनिंग्स प्रिंटेड सरमन ऑन द रूल ऑफ फेथ पब्लिकली सिग्नल्ड हिज अलाइंस विद ट्रैक्टेरियन नंबर फोटी नाइन वन डिड ही टेक अ लीडिंग पार्ट इन द चर्च एजुकेशन मूवमेंट चर्च एजुकेशन मूवमेंट में कब उसने लीडिंग पार्ट प्ले किया था इन एटीन थर्टी एट में नंबर फिफ्टी है थ्रू चर्च एजुकेशन मूवमेंट विच बोर्ड्स वर इस्टेबलिश थ्रू आउट द कंट्री और चर्च एजुकेशन मूवमेंट के थ्रू कौन कौन से बोर्ड पूरे कंट्री में इस्टेब्लिश किए गए थे डी ओसी सन बोर्ड्स जो थे वो पूरे चर्च में इस्टेब्लिश किए गए थे नंबर फिफ्टी वन मैनिंग्स रोड एंड ओपन लेटर टू हिस्स बिशप इन किस टॉपिक पर उसने ओपन लेटर अपने बिशप को लिखा था क्रिटिसिज्म ऑफ रीसेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द इक्लिजेस्टिकल कमीशन फिफ्टी टू है दिसंबर एटीन थर्टी एट ही पेड हिज फर्स्ट विजिट टू रोम एंड कार्ड ऑन निकोलस वाइज मैन इन कंपनी विद गन Number 53 Manning's appointed as the uh, deacon of Chichester uh, in January 1841. Uh, 58 by whom Manning was appointed as uh, Archdeacon of Chichester. Uh, Philip Shuttleworth. Number 55. Philip Shuttleworth was a bishop of Chichester. Uh, नंबर फिफ्टी सिक्स है कम्प्लीटिंग द टास्क इन एटीन फोर्टी थ्री ही बिगेन द पर्सनल विजिटेशन ऑफ ईच डैश विद इन हिस डिस्ट्रिक्ट पेरिश मतलब अपना टास्क एटीन फोर्टी थ्री में कम्प्लीट करने के बाद उसने पर्सनल विजिटेशन करना शुरू कर दी हर पैरिश की अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिफ्टी सेवन है वेन डिड ही पब्लिश हिस्ट थ्री टाइस उसने अपनी थ्री टाइज कब पब्लिश की थी इन एटीन फोटी टू में नंबर फिफ्टी एट है मैनिंगस पब्लिश हिस्ट्री टाइज ऑन और इसके थ्री टाइज कौन से टॉपिक के ऊपर पब्लिश हुई थी द यूनिटी ऑफ चर्च एंड रेपूटेशन एज एन एलुक्वेंट एंड अर्न एसप्रीचर नंबर फिफ्टी नाइन है फोर वॉल्यूम्स ऑफ मैनिंग सरम्स वर अपेयर बिटवीन ईयर कौन से ईयर्स के दौरान ये फोर वॉल्यूम्स अपेयर हुए थे एटीन फोटी टू से लेकर एटीन फिफ्टी तक नंबर सिक्सटी है मैनिंग सरमस हैड रीच द सेवंथ फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड एडिशन इन एटीन फिफ्टी देट्स ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग